सभी दोस्तों राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपके सामने पब्लिक नोटिस दिखा दिया भाई, आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो गया है। 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक ये आपका पोर्टल ओपन रहेगा। पब्लिक नोटिस आपके सामने आ चुका होगा। बातें बहुत सारी हैं दोस्तों, लेकिन जो काम की बात होती है ना वो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि व्यू पाने का चक्कर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो बात करता हूँ सिर्फ हमारे मुद्दे की बात करते हैं, फालतू चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं की जाती। अगर भाई आपको अपडेट अच्छी लगे ना तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। और पूरी वीडियो देखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम फालतू चीज़ें नहीं बताते, पीछे की जानकारी आप देख सकते हैं भाई, कितनी जेन्युइन खबरें और कितना यूजफुल कंटेंट यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और आपके जो ऑथेंटिक सवाल होते हैं उन पे भी अपडेट करते हैं भाई। तो आप वीडियो के नीचे भी कमेंट करके जो भी आपकी राय है या जो भी आपका सवाल है वो बता सकते हैं भाई। पब्लिक नोटिस में आपके सामने आ ही चुका है, 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आपका पोर्टल ओपन रहेगा। किस किस का नंबर आएगा भाई, किस किस को पोस्ट प्रिफ्रेंस भरनी है, अभी तक पता भी लग गया होगा, नहीं पता लगा तो वीडियो देख लेना भाई, पूरी पूरी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लें भाई, इसमें एक बात रखी गई है, जो क्वालिफाई है ना भाई, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का हो चाहे जनरल कैटेगरी का हो, उन सभी ने पोस्ट प्रिफ्रेंस भरनी है, ठीक है ना। उन्होंने क्या करना है, सभी ने च्वाइस भरनी है। और भाई जिनका ग्रुप सी में नंबर आ गया ना, तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ ग्रुप डी में आप नो जरूर करें, ताकि जो आपके भाई बहन है ना जो ग्रुप डी में लगना चाहते हैं भाई, उनका नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक तो ग्रुप सी की आगे भाई भर्ती नहीं होगी, जैसे कि लोकसभा के बाद होगी, वो वैसे ही 2-3 नंबर लिस्ट ऊपर जाने वाली है। अगर आपने यहाँ पे भाई नो कर दिया तो फर्क पड़ेगा ना, तो आपके भाइयों का नंबर आएगा भाई, आपका नंबर आया ग्रुप सी में, तो ग्रुप डी में आप नो जरूर करें भाई, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि आपका ये सपोर्ट भी भाई बच्चों के अंदर वो डालेगा, मोटिवेट करेगा बच्चों को। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में आपके विचार भी रखना भाई, अगर आपको अपडेट अच्छी लग रही है या आपका कोई भी सवाल है, ठीक है ना। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सवाल भी ले लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो आपके सामने सभी ने पोस्ट प्रिफरेंस भरनी पड़ेगी, ठीक है ना, ये बात समझ गए, जो क्वालिफाई है चाहे रिजर्व कैटेगरी हो चाहे भाई जनरल कैटेगरी हो। देखो भाई इसमें पिछले दिन जो अपडेट आई थी, जो आपका पोर्टल यानी भाई जो आपका कुरेक्शन पोर्टल ओपन होया था ना, कुरेक्शन लिंक, उसमें जो 53,000 का नया डाटा आया था, इस कारण से इन्होंने ये मामला बताया है कि हमने 56,000 नहीं बल्कि सभी को मौका दे दिया, यानी सभी को च्वाइस भरने का मौका दे दिया गया। तो दूसरा पॉइंट है भाई डिपार्टमेंट, यहाँ पे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने खेला करने का काम किया, खेला कुकर कर दिया, बात को समझो। पता भी लग गया कुछ भाइयों को, जिनको नहीं भाई पता वो देख लेना, पता लग जाएगा। आपको लग रहा है कॉमन कैडर ग्रुप डी में तो जबरदस्त है भाई मैटर, जबरदस्त विभाग है कॉमन कैडर ग्रुप डी भाई, डिपार्टमेंट तो जबरदस्त है। क्या आपको पता है यहाँ पे वैकेंसी कितनी है, इस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में कितनी वैकेंसी है, ये तो बताया ही नहीं। अब बच्चा कैसे च्वाइस भरेगा भाई, मेरे को 4 नंबर की वैकेंसी में जाना है, मेरे को स्कूल बोर्ड में च्वाइस भरनी है, वहाँ पे तो पता ही नहीं ना कितनी वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है या 1,000 वैकेंसी है। अगर सामने वैकेंसियाँ होती तो बच्चे को ये तो लगता ना कि भाई इसके अंदर इतनी वैकेंसी है, मेरी ये पहली पोस्ट रहेगी। तो ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भाई ये जो मामला है, मुझे तो लगता है बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। क्योंकि इसमें एक बात और कही गई है, जो साथी भाई कुछ भी नहीं करेगा यानी पोर्टल को ओपन भी नहीं करेगा, तो उसकी ये सारी की सारी भाई क्या मानी जाएगी, फिल मानी जाएगी, बरी मानी जाएगी भाई, जो भी इसमें सीरीज वाइज यानी सीरियल नंबर के साथ दिखाई गई है, ठीक है ना। और भाई जो बढ़ना चाहेगा, जैसे कि कोई साथी बढ़ना चाह रहा है हरियाणा शहरी विकास जो प्राधिकरण की पोस्ट है 9 नंबर की, ये पहले नंबर पे बढ़ना चाह रहा है, तो यहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो ये आपकी पहले नंबर पे आ जाएगी 9 नंबर की, ठीक है ना। कॉमन कैडर की फिर भरोगे वह दूसरे नंबर पे आ जाएगी, ऐसे आप पोस्ट भरोगे, लेकिन ये आप भर तो जरूर दोगे, लेकिन वही बात आ गई ना, इनकी वैकेंसियाँ कितनी हैं ये तो हमें पता नहीं। वैकेंसियाँ होती तो कम से कम बच्चे के अंदर हौसला आता कि मैंने उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी भरी है और वहाँ पे तो इतनी वैकेंसी है, मेरा नंबर आ सकता है भाई, इतने पे लिस्ट लग सकती है, बच्चों के अंदर इतनी फाइट है, इतने बच्चे इसमें हैं। लेकिन बच्चों का ये नहीं पता भाई, कॉमन कैडर ग्रुप डी में 1 वैकेंसी है या 2 वैकेंसी है, कितने बच्चे इसमें लगेंगे,
ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भाई एक खेला करने का काम किया है। और आपका जो पोर्टल है भाई, देखो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, अब आप साइट पर विजिट करोगे तो पोर्टल आपका सही तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। 1 बजे को बोला था तो 1 बजे के आसपास आपका पोर्टल शुरू कर दिया है, और 6 तारीख को शाम को 5 बजे तक आपने, ठीक है ना भाई, सारा का सारा मामला समेट लेना है, ठीक है ना। तो ये देख लेना भाई, वैसे हमें अच्छा नहीं लगा अगर ये बता देते हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले कि जो आपके डिपार्टमेंट है उसमें इतनी वैकेंसी हैं, तो बच्चों को सुविधा भी होती। तो खामियां तो बहुत हैं, लेकिन एक मेरिट बेस पे ये कह रहे हैं भाई जो ये च्वाइस भरेंगे ना, तुम क्या है ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, यानी भाई जो क्या मेरिट में आएगा ना जो बच्चा, ठीक है ना, उसी को भाई क्या है नौकरी दी जाएगी। फर्दर प्रोसेस ऑफ ग्रुप डी रिक्वायरमेंट, समझ रहे हो मेरी बात को, ये मामला भाई जो यस नो करेगा, तो मैं उनसे दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई जिनकी ग्रुप सी में नौकरी लग गई है वो विशेष कर ध्यान दें भाई, नो जरूर करें, ठीक है ना, ताकि और भाइयों को इसके अंदर मौका मिल सके। तो दोस्तों आपकी नौकरी मेरिट के बेस पे, यानी डिपार्टमेंट तो आप च्वाइस करोगे, लेकिन क्या पता भाई कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हैं, जौन सा डिपार्टमेंट आपने चूज किया हो उसमें भाई वैकेंसियाँ ही ना हो, और वो तो भाई बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना। ये एक थोड़ा भाई डिपार्टमेंट के अंदर बच्चों के साथ लग रहा है कि नाइंसाफी है, और सभी को भाई जो क्वालिफाई कैंडिडेट है चाहे जर्नल के हो चाहे रिजर्व कैटेगरी के हो, क्योंकि देखो भाई जो पीछे मामला आया था कि 53,000 जो क्या नए बच्चे पास हुए, वो दिखती बात है भाई क्या है रिजर्व कैटेगरी के बच्चे पास हुए हैं, ठीक है ना, जिन्होंने रिजर्व कैटेगरी में गए हैं वही बच्चे पास हुए होंगे, और तो कौन हो सकता है। तो उनमें फाइट बढ़ेगी, सीधी सी बात है, और फाइट बढ़ेगी तो भाई यहाँ पे भी मामला थोड़ा क्या लिस्ट का ऊपर जाएगा। अब लिस्ट कितने पे जाएगी उसका तो एनालाइज करके आपके साथ बातें डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में स्कोर भी बताना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, पीछे जाके वीडियो को देखना, आपकी बात नहीं की गई हो तो मुझे बताना भाई, ठीक है ना। आप कह सकते हैं जो आपकी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं भाई, ठीक है ना, क्योंकि आपकी बात ही यहाँ पे हम रखते हैं। और दोस्तों जो ग्रुप डी की बात है भाई, 4 से लेकर 6 तारीख तक आपने अपना इस पर सारी की सारी पोस्टों पे जो सी आपकी च्वाइस है वो क्लिक करनी है और बाद में सबमिट कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये मामला था, आपका डिपार्टमेंट तो काफ़ी अच्छे दिखाए गए हैं, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन है, ठीक है ना भाई, डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके अंदर भाई वैकेंसियों का पता तो नहीं कितनी वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट में है। तो दोस्तों ये मामला है, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर भी वैकेंसी है, तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर भी है, हरियाणा लेबर जो क्या भाई हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड के अंदर भी वैकेंसियाँ बताई गई हैं, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर भी वैकेंसियाँ बताई गई है। अब कौन सी पोस्ट यानी कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है इस पर भी आपके साथ जानकारी साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने थोड़ा आपके लिए ये मामला पेचीदा कर दिया है कि इनके अंदर कितनी वैकेंसी हैं, बच्चा क्या देख के भाई डिपार्टमेंट का सिर्फ नाम देख के क्लिक करे क्या भाई, वैकेंसियाँ देख के क्लिक नहीं कर सकता क्या। तो ये थोड़ा मामला दोस्तों अच्छा नहीं लगा, लेकिन देखेंगे दोस्तों आगे क्या अपडेट आती है, जो भी अपडेट आएगी भाई जेन्युइन अपडेट यहाँ पे पूरा एनालाइज करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये आपको पता ही लग गया था भाई, पब्लिक नोटिस आ गया था, मैं तुरंत आपके साथ साझा कर देता, लेकिन दोस्तों उस समय मैं बाहर था, फिर मैंने देखा तो सोचा बच्चों के साथ विद एनालाइज आपके सामने आए। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।